उसके बाद जो मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो है वो क्या हो सकता है, क्या यहाँ से वो मजीद अप जाने के कितने चांस है और डाउन जाने के कितने चांस है और कितना जा सकती है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में अब तमाम दोस्तों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ओवरऑल देखा जाए मार्केट का सिनेरियो प्यारे भाइयों, अभी के लिए फुल बुलिश है। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बताया था कि अगर 50,000 या 52,000 या 48,000 से मार्केट नीचे नहीं जब तक जाती उस वक्त तक आपने बुलिश ही रहना। अगर आपने कोई लंबे टाइम के लिए बाय कर हुई है तो डाउन वरी परेशान ना हो, एक वक्त आएगा कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपने बच कर रहना है। तो वीडियो पे जाने से पहले पुरानी वाली रिक्वेस्ट कि अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले भैया सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ यहां से सीखकर आगे ग्रोथ करें तो प्यारे भाइयों ये है हमारा बेसिक क्रिप्टो कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल एक रुपया भी नहीं लगेगा। जो जल्दी से प्यारे भाइयों वन बाई वन वीडियो को वॉच कर ले, नहीं तो सारी जिंदगी प्यारे भाइयों इधर उधर देखते रह जाओगे और लास्ट पे लास्ट ही करते चले जाओगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से प्यारे भैया हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, यहां पे हम गाये बगाये अपडेट और सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहां से कुछ ना कुछ खुद सीखें तो प्यारे भैया आप पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो आपको व्हाइट कलर की मूविंग एवरेज नजर आ रही है, ये है 50 MA यानी डेली की जो मूविंग एवरेज है। अगर यहां से जो डेली क्लोजिंग है इसके अबव क्लोज नहीं होती, यानी जो कल वाली टल्ली खड़क रही है कल वाली क्लोज इसके अबव नहीं होती, तो फिर आपने जेन में रखना है कि मार्केट आराम सुकून से मोहब्बत प्यार से 52,000, फिर मैं बोल रहा हूं 52,000 या 53,000 के लगभग मार्केट आ सकती है। अगर आपको किसी क्वेन से अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्यारे भाइयों प्रॉफिट बुकिंग लाजमी कर लिया करें, शॉर्ट टर्म के लिए तो पक्का लाजमी कर लिया करें। अगर इस सपोर्ट लेवल को अगर होल्ड नहीं करती मार्केट तो आपने जेन में रखना है कि 46 या 45,000 के लगभग मार्केट आराम सुकून के साथ आ सकती है। ये दो जो सपोर्ट लेवल है इनको आपने जेन में पक्का रखना है कि आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर अंदर मार्केट जो मेरी छठी काम कर रही है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम है। अगर हां ये जो वीकली क्लोजिंग है, ये जो टल्ली खड़क रही है ना 50 MA मूविंग एवरेज के अबव क्लोजिंग होती है, यानी वो बनती है तकरीबन 60,000 से अबव, तो फिर आपने अपने जेन में रखना है फिर ये जो 20 MA इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाने के अच्छे खासे चांस है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूं आने वाले चंद दिनों के अंदर हम यहां तक अच्छे खासे चांस है मेरी, इसको प्यारे भाइयों बात को आपने जेन में रख के तो बाय एंड सेल नहीं करना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप 30 या 40 या 50% यहां पे अगर अच्छा किसी कोइन से प्रॉफिट मिल रहा है तो सेल करके तो नीचे की बिड वॉल लगा सकते हैं। एक बात याद रखें कि अगर 50 MA को ये होल्ड मार्केट नहीं रखती, यानी इसके अबव वीकली क्लोजिंग नहीं होती, तो इसके बाद नीचे वाली जो टल्ली है वो लाजमी खड़केगी, जो मेरा ख्याल है कि वो बनती है 52,000 या 53,000 के लगभग। इसके बाद अगर इसको भी होल्ड नहीं रखती तो नीचे वाली जो टल्ली है ना इसको लाजमी यहां से टच करने के अच्छे खासे चांस है, वो है 48,000, और इसके नीचे भी थोड़ा सा भी अगर देखें तो वो बनता है 45,000 यानी 45,000 या 46,000 के लगभग भी मार्केट के आने के चांस है। आएगी नहीं आएगी, अगर प्यारे भाइयों आपने इसमें एंट्री लेनी है तो आपने अपने ओन रिस्क पर लेनी है। मार्केट का अप ट्रेंड क्या फिनिश हो चुका है या इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। एक बात याद रखें, जब तक तकरीबन 50 या 52 या 48,000 से नीचे मार्केट नहीं जाती उस वक्त तक आपने प्यारे भाइयों जेन में ये रखना है कि इसका अप ट्रेंड ही है। अब इसकी दो रीजन है कि एक तो यह है कि इन जो जिन बंदों ने लॉन्ग की कार ली हो तो उनको लिक्विडेट करने के लिए इन्होंने ये टल्ली कड़काई है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो USA में काफी सारे बिटकॉइन जो है उन्होंने सेलिंग की है मिलियन ऑफ डॉलर के हिसाब से। मे बी कि जो मार्केट का
का सिनेरियो मुझे लग रहा है कि इस 2021 के दिसंबर तक हो सकता है 1 लाख या 1 लाख के राउंड अबाउट मार्केट जाएगी। इसके बाद जो इसका बुल ट्रेंड है यानी बुल साइकिल है हो सकता है वो 2-4-6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि ये इसने अच्छा खासा डिप लिया है, अभी भी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी कॉइन में, प्यारे भाइयों मैं फिर बोल रहा हूं कि अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करें, साइड पर जाए और नई एंट्री का वेट करें। आपने ज़हन में रखना है कि 52,000 या 53,000 के लगभग मार्केट आएगी आने वाले टाइम में, तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद नीचे वाली जो टल्ली है यहां पे भी आएगी तो यहां पे एंट्री ले सकते हैं। ये तो 3 रेंजेस है, हर डिप में प्यारे भाइयों 10-20-30% की जो है वो एंट्री ले लिया करें। लंबे टाइम के लिए कोई भी कॉइन बाय करके रखना है तो इस सुई को कम से कम 10-15-20-25 के लगभग आए तो यहां पे एंट्री ले, और इसके बाद ये यहां पे आए 70-80 या 90 पे आए तो उस वक्त फिर आप प्रॉफिट बुक कर लें। आज की वीडियो आप तमाम दोस्तों को कैसे लगी है, आगे आने वाले टाइम में मार्केट जो है वो किस तरफ जा सकती है, अप जाने के ज्यादा चांस है या नीचे जाने के ज्यादा चांस है, तो वो आपने लाजमी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी देना है। तो चलते हैं मजीद एक अच्छी खूबसूरत नस्ल में। अल्लाह हम्दुलिल्लाह।